शुरू तो बयान करना चाहना बड़ा ही संजीदा मसला है। तुसी तवज्जो नाल समाध फरमाया जे बड़ी मेहरबानी। अज का जिहड़ा दौर जा रहा है यह दौर जिहड़ा है यह फितनियां दा दौर है। हर दिन हर रात नवे तो नवा फितना उठ रहा है। कोई अहले बैत दे बारे बकवासात कर रहा है, कोई नबी दे प्यारे सहाबा साड़ी जान सहाबा इकराम दे बारे खिलाफ बकवास कर रहा है। और अलहम्दुलिल्लाह और मुसलमान मोमिन बंदा होवे जिहड़ा अहले बैत दा भी हुबदार है ते नबी दे सहाबा दा भी हुबदार है। बड़ी मेहरबानी तवज्जो फरमाया जे बड़ा तवज्जो ना सुनने वाला नुकता है। कुछ लोग ऐसे ने जिन्हां सहाबा की गुस्ताखी की माज़ल्ला नाउज़ बिल्ला अस्तगफिरुल्ला सहाबा नु बुरा भला गया। हज़रत अबू बकर सदीक दे बारे हज़रत उमर फारूक दे बारे असी उहदी मजम्मत की और करने भी हाँ। जिहड़े सहाबा के खिलाफ बकवासात करते ने ओ ईमान तो खारज ने। उन्होंने बदले फिर कुछ ऐसे बंदे उठे कि जिन्हां सहाबा की आड़ विच अहले बैत की गुस्ताखी की। अहले बैत के बारे नज़ेबा अल्फाज़ात अपने मुँह तो अदा किए। नबी की आल की गुस्ताखी की, आले नबी उलादे अली की गुस्ताखी की। पिछले दिन एक सोशल मीडिया से मसला जारी सी, मैं सुन रहा सा कि एक बंदा कह रहा है कि नबी दे सहाबा गुमराह नहीं हो सकते, नबी की आल माज़ अल्लाह गुमराह हो सकती है। अस्तगफिरुल्लाह, सारे बोलो अस्तगफिरुल्लाह। नबी की आल माज़ अल्लाह नाउज़ बिल्ला गुमराह हो सकती है। वह मैं आख्या अपनी अकल का इलाज करवा। नबी की आल भी पाक है तो नबी दे असहाब भी पाक ने। असी इस वास्ते हुकूमत पाकिस्तान अगे मुतालबा करने हैं, उलामा अगे उलामाए अमन अगे जेडे मुल्के पाकिस्तान के अंदर अमन चाहते हैं, मुल्के पाकिस्तान के अंदर सुकून चाहते हैं। अफरा तफरी फसाद नहीं। अल्लाह कुरान के अंदर ऐलान फरमा रहा कि मेरी जमीन पर फसाद ना फैलाओ। जेड़ा बंदा फसाद फैलांदा वह भावें आलिम है, भावें मौलवी है, भावें खतीब है, उन्हें इलम का कोई पता नहीं, उन्हें इस्लाम का कोई पता नहीं कि इस्लाम अमन का दर्श देता है। मुल्के पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी नहीं फैलानी, मुल्के पाकिस्तान के अंदर फसाद नहीं फैलाना। उसके खिलाफ गल करके कोई सहाबा के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, कोई नबी दी आल के बारे बकवास कर रहे हैं। और साडा माशाल्लाह इस वीडियो के थ्रू ये पूरे पाकिस्तान के उलामा के गुजारिश है, उलामाए अमन के अगे जेडे मुल्क के अंदर अमन चाहते हैं कि इन्हां मौलवियों को समझाओ कुछ कि ना अहले बैत की गुस्ताखी करन। अहले बैत नबी के घर वाले ने, कुरान उन्हां दी शाना बयान कर रहा, मुस्तफा दे लब उन्हां दी शाना बयान कर रहे ने, ते ना ही कोई गुस्ताख है सहाबा सहाबा दे बारे बकवास करे। अलहम्दुलिल्लाह असी सहाबा नूं भी मन्नण वाले आ, नबी दी आल नूं भी मन्नण वाले आ। अलहम्दुलिल्लाह साडा अकीदा है असी सहाबा दे गुलाम आ, असी अहले बैत दे नौकर आ। इस वास्ते कोई बंदा मुल्क पाकिस्तान दे अमन नूं खराब ना करे। एक वीडियो क्लिप उधरू चढ़ रहा सहाबा दे खिलाफ, इधरों दूसरे अहले बैत के खिलाफ वीडियो क्लिप चला रहे हैं, ये की हो रहा है? ये मुल्क पाकिस्तान के अमन तबाह किया जा रहा है, अफरा तफरी इंतिशार फैलाया जा रहा है कि लोग आपस में लड़न, शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी ये आपस में ही पे लड़न, आपस में एक दूजे के खिलाफ गल्लां पे करन। और माशाल्लाह उधरू फतवा उधर लग रहा है, उधरू फतवा उधर लग रहा है। कई बंदे ऐसे होने ने, बड़े बंदे ऐसे ने कि जेडे साड़ी मुकम्मल तकरीर सुनते हैं, वो इस वास्ते नहीं सुनते कि असी सुन के कुछ लईए, वो इस वास्ते सुनते हैं कि मौलवी का कोई नुकता लभीए, इस खतीब का कोई ऐसा नुकता तकरीर भी मिल जाए, कोई ऐसी गल मिल जाए कि ये खिलाफ फतवा जारी करिए, ये खिलाफ गुस्ताखी का फतवा। क्योंकि गुस्ताखी का फतवा तो हूँ माशाल्लाह जुबान की नोक तो रखे है ना, वह भी गुस्ताख, वह भी गुस्ताख, किसी ने सहाबा का गुस्ताख, किसी ने अहले बैत का गुस्ताख। इस वास्ते मेहरबानी फरमाओ, इस मुल्क पाकिस्तान ते रहम फरमाओ, हजूर की उम्मत नु जोड़ो तोड़ो नहीं, हजूर की उम्मत नु की करो जोड़ो तोड़ो नहीं। तोड़न वाला बंदा मिंबर ते बह के जेड़ा बंदा सहाबा की गुस्ताही करे वह कदा बंदा है? मिंबर ते बह के जेड़ा नबी पाक की आल के बारे नज़ेबा अल्फाज बोले वह कदा बंदा है? ना। अज लोगों नु शऊर आया, नौजवान समझदार ने, बाशऊर ने, इलम आले पढ़े लिखे ने, इन्हां नु पता है कि तोड़न वाले मौलवी केड़े ने, जोड़न वाले केड़े ने। इस वास्ते तोड़न वाले मौलवियों के और उन्होंने जाकर पिछे तुसी नहीं लगना जेड़े तोड़ते हैं मुल्के पाकिस्तान के अंदर अग फैलाना चाहते हैं दीन के नाँ से, अग कि अफरा तफरी फैले, वो उन्होंने मारन, वो उन्होंने मारन, ये मुसलमान आपस में ही लड़ लड़ के मर जान। दुश्मन की तो चाल ही है वे, राफजियां ते खारजियां की चाल ही है वे,
कि मुसलमान आपस दे विच लड़न एक दूजे नूं बुरा भला कहन, तू काफर ते तू मुसलमान, तू गुस्ताखे नबी, तू गुस्ताखे साहबा। इस वास्ते जिहड़ा मिंबर ते बंदा हुंदा है उहनूं एहतियात करनी चाहीदी है कि मेरी जुबान तो साहबा दे बारे कोई अल्फाज ना निकलन, मेरी जुबान तो नबी दी आल प्यारी आल दे बारे, हसन हुसैन दी अम्मा दे बारे, जनाबे जहरा बतूल दे बारे, जनाबे मौला अली दे बारे कोई अल्फाज साड़ी जुबान तो अदा ना होन, जिहदी वजह तो कबर विच असीं की जवाब देंगे कि या अल्लाह सी तेरी आल दे बारे बकवास करदे रहे, या रसूल अल्लाह तेरी आल दे बारे नज़ेबा अल्फाज, या रसूल अल्लाह तेरे असहाब दे बारे असीं मिंबरां ते चढ़ चढ़ के बोलते रहे। नहीं, बंदा ओ ही कामयाब है जेड़ा आले नबी नूं भी सलाम करदा है, असहाबे नबी नूं भी सलाम करदा है। इस वास्ते मेहरबानी, ये वीडियो दे थ्रू असी पैगाम जारी कर रहे हैं, अलहम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ते जावे और लोग इनू ज़्यादा तो ज़्यादा अगे फिलान शेयर करके लोगों को दसन कि नहीं यार हुण अमन दा दर्स दियो मिंबर तो, लोगों को जोड़ो, लोगों को तोड़ो, नहीं असहाबा कराम की शान लोगों को दसो, हज़रत अबू बकर सदीक की शान दसो, हज़रत उमरे फरूक की शान दसो, हज़रत मौला अली की शान दसो, हज़रत उस्माने गनी का मकाम दसो और लोगों को नबी की आल का मकाम दसो कि अली ओ अली ने जिदे बारे नबी फरमाया या अली अंत आखी फिद दुनिया वल आखिरा, फरमाया अली ओ वे जेड़ा दुनिया से भी मुहम्मद का वीर है, जेड़ा क्यामत में भी मुहम्मद का वीर है। इस वास्ते हज़रत जी वकार एक गुजारिश है साड़ी उलामा अमन अगे जेडे पाकिस्तान दे अमन नू बहाल रखना चाहते ने, एजेंसियां अगे मुल्क पाकिस्तान दे सरबरान अगे कि मेहरबानी फरमाओ ते इस ते जरा गौर करो, ये अग बड़ी भड़क जानी है, फिर लग गई तो फिर बुझाई नहीं जानी, अजे कंट्रोल कर सकते, जो अग ज़्यादा पड़ गई तो फिर कंट्रोल नहीं आनी। इस वास्ते मिंबरां तो जेडे असहाबा इकराम के खिलाफ ने उन्होंने भी चुप कराओ, जेडे आले नबी के खिलाफ बकवास कर रहे हैं उन्होंने भी चुप कराओ। अल्लाह सानू सारयां नू अमल दी तौफीक अता फरमाए।